हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, आज हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे पहले बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन अचानक से धीरे धीरे वो ख़राब होने लगे। अभी मैंने काफ़ी सारे पॉट्स मंगाए थे, तो मैंने उनमें मिट्टी भर के रखे हुए हैं क्योंकि मुझे उनमें एरी के पाम लगाने थे। तो मैंने सोचा जब काम इतना फैला हुआ है ही, तो क्यों ना इन पॉट को भी खाली करके देख लिया जाए कि इनमें क्या ख़राबी है, किस वजह से ये प्लांट में नई लीफ ही नहीं निकल रही थी। तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ, तो आप ही देखिए इसमें कैसे जाली पड़ी हुई है और जो इसका ड्रेनेज होल है वो भी बंद हो चुका है। तो फिर ये पौधा कैसे अच्छे से चलता। वैसे इस पौधे का नाम है पत्थर चट्टा, वैसे बहुत अच्छा पौधा होता है, कहते हैं कि इसे पथरी में भी यूज किया जाता है। पत्थर चट्टे के जो पौधे में जाली पड़ी हुई है मैं इसको भी निकाल दूंगी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि ये पौधा ऐसा है कि हम इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं तो भी ये ग्रो हो जाएगा। और अगर इसकी रूट्स भी कट जाती हैं या टूट जाती हैं तो भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये पौधा बहुत ही गुणकारी है, कहते हैं कि अगर किसी को पथरी हो जाए तो इसको यूज किया जाता है। और जो ओरिजिनल पत्थर चट्टा होता है उसमें फ्लावरिंग कभी नहीं होती, बस वह ऐसे ही चलता रहता है और नई नई लीफ निकलती रहती हैं। और देखो बातों बात में मैंने अपने पॉट को कंप्लीट भी कर दिया और पत्थर चट्टे को भी लगा दिया। ये कोलियस का प्लांट है, मैं इस गमले में जब पानी भरती हूँ तो काफ़ी टाइम तक रुका रहता है। बहुत टाइम बाद इसका पानी नीचे से ड्रेनेज होल से निकलता है, तो देखती हूँ इसका भी ड्रेनेज होल बंद हो गया होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसकी मिट्टी को भी चेंज कर देते हैं। देखिए इसमें भी ऐसे ही ये जो रूट्स होती हैं बारी के चारों तरफ फैल जाती हैं और जो ड्रेनेज होल होता है वहाँ आकर ये बाहर की साइड से निकलने लगती हैं, तो पानी का जो निकलने का रास्ता होता है वो बंद हो जाता है, इसीलिए हमारे जो पौधे होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। ये कोलियस का ऐसा प्लांट है कि आप इसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इस पॉट में चींटियों ने देखो अपना घर बनाया हुआ था और देखो कितने सारे एग हैं, वाइट वाइट, इसमें रेड चींटियाँ बहुत सारी निकली हैं। अब मैं इस मिट्टी को सारी को अलग फेंक दूंगी क्योंकि मैं इसे यूज नहीं करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारी चींटियाँ हैं जो कभी मर जाएं तो ये भी अच्छा नहीं है। तो मैं सारी मिट्टी को ऐसे ही भर के और कहीं पार्क वगैरह में ऐसे ही डलवा दूंगी, क्योंकि मैं इस पॉट में इस मिट्टी को नहीं भरूंगी। मैं इकट्ठी एक साथ बहुत सारी मिट्टी, सैंड और जो भी खाद होते हैं मेरे पास उनको मिक्स करके रख लेती हूँ, और जो मेरे पास बकेट बड़े डब्बे होते हैं तो मैं उनमें भर के रख लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पॉट में कभी भी यूज करके छोटा कोई भी पौधा होता है या कटिंग होती है तो ऐसे ही मिट्टी डालो और लगा दो। तो अभी मैंने 10-12 एरी के पाम के जो पॉट हैं वो तैयार किए हैं, तो काफ़ी सारी मिट्टी मंगाई थी मैंने और सारी मिट्टी को मिक्स करके वो भी मैंने पॉट भर के रख दिए हैं। जब मुझे टाइम लगेगा मैं एरी के पाम भी लगा लूँगी, लेकिन साथ के साथ मेरे पास जो ये 2-3 पॉट है मैंने इनको भी तैयार करके रख दिया। कुछ प्लांट जो थे ख़राब हो रहे थे, मैंने इनकी मिट्टी को भी चेंज कर दिया और ये प्लांट भी अब अच्छे से ग्रो करेंगे। एक कोलियस की एक कटिंग है जो टूट गई थी, तो मैं इसको भी ऐसे ही लगा दूंगी, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ये पॉट मेरे पौधे लगकर तैयार हो चुके हैं, अब बस इनमें पानी ही डालना है। और अब बात करते हैं क्रीपिंग इंच प्लांट की, जो कि देखने में बहुत सुंदर बेल है और ये काफ़ी लंबाई में हो जाती है, तभी तो इसका इंच प्लांट नाम है।
ये एक प्लास्टिक का बाउल काफी टाइम से ऐसे ही रखा हुआ था, तो जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है मेरे गमलों की मैं इसमें डालती रही, तो ये भर गया था। तो कुछ कटिंग थी जो मेरी बालकनी में टूट कर गिर गई थी, तो इसमें मैं ऐसे ही डालती रही। और देखो ये कितने अच्छे से ग्रो हुई हैं, और उस बाउल का देखो इस मिट्टी में कैसे डिजाइन बन गया है। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा बास्केट रखी हुई थी, तो देखो कैसे सेट हो गई, कितने अच्छे से सेट हो गई, और हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं हुई है। और देखिए कुछ ही सेकंड लगी होंगी हमें बास्केट तैयार करने में, और जब ये बेल काफ़ी लंबी हो जाएगी तो बहुत सुंदर लगेगी। और अब मैं इसे कहीं हैंग कर देती हूँ। आपने देखा होगा ये क्रीपिंग इंच प्लांट की बेल जो है ये कितनी लंबी हो जाती है, उसकी कटिंग करते रहो, जितनी कटिंग हम करेंगे ये उतनी अच्छे से ग्रो होती रहेगी और बढ़ती रहेगी। और कुछ भी हम इसमें डिजाइन भी दे सकते हैं, कटिंग कर करके कोई भी हम इसका डिजाइन बना सकते हैं। ये बेल हमेशा ग्रीन रहती है तो देखने में बहुत सुंदर लगती है, और जब भी चारों तरफ फैल जाती है तो और भी सुंदर लगती है। ओके फ्रेंड्स, बाय।